नमस्कार, यह कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में आज मैं हूँ भारती कुमारी, आप सबको सुना रही हूँ निरंजन धुलेकर जी की लिखी हुई लघु कथा डार्क फायरी डार्लिंग। दिवाकर ध्यान से सुन रहा था। उसकी वो कल मायके चली गई और ये मेरे पास आया था कुकिंग के कोर्स सीखने। अब दोस्तों में ये भ्रामक प्रचार था कि मुझे खाना बनाना आता है, और ये भी कि अनिता की मायके जाने वाली धमकी मुझ पर चलती नहीं है कभी। खैर, मैंने शुरू किया। देख, फंडा समझ, तेल, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और बारीक कटी प्याज, बस ये पांच पांडव ही सारी कुकिंग का सार हैं। नमक सबसे बाद में जाएगा, ठीक। तेल कढ़ाई में गरम करके एक एक करके सारे मसाले डालता चला जा। जब चटाचट बोलने लगे तो ऊपर से कोई भी कटी सब्जी उसमें डालकर मिला दे, ढाक के रख दे, पांच मिनट बाद तेरी सब्जी तैयार। मैं डेमो दे रहा था और सब्जी वाकई तैयार थी। अरे यार, पांच मिनट के काम किए ये इतनी हाइप किए रहती हैं? दिवाकर आश्चर्यचकित था। मैंने विजयी भाव से उसकी तरफ देखा और चालू रखा। देख, चावल बनाना हो तो इसी में आधा लोटा पानी डाल के उबाल दे तो हो गई रसेदार। और सुन, इसी में थोड़ा सॉस और विनेगर डाल दे, फिर देख। और एक लेवल ऊपर, मतलब चिली या पोटैटो सॉस डाल दे। मैं पूरे फॉर्म में था। और ये समझ ले, इसी में कभी गुड़ की डली डाल देना या चम्मच भर शक्कर, कुछ ना कुछ बनता ही चला जाएगा। घबरा मत, अंडे बॉयल करके सबसे ऊपर मसक दे तो और भी एक्जॉटिक डिश तैयार हो जाएगी। अब दिवाकर मेरा मुरीद हो चुका था, पर शंकालु भी हो गया। अच्छा, मान लो मसाले या तेल का ऊंच नीच हो गया तो? मूड बालक मन ने प्रश्न किया। मैंने समझना शुरू किया। अगर लाल मिर्ची ज्यादा हो जाए तो डिश का नाम रख गोभी गुरदासपुर और रख के करतारे को दे आना। नमक ज्यादा हो जाए तो पूरा नींबू निचोड़ के नाम रखना लेमनी पोटैटो और रखकर निगम के यहाँ दे आना शाम को। गुड़ ज्यादा हो जाए तो उसे पूना बटाटा के नाम से टिके करके यहाँ दे आना। शक्कर अधिक गिर जाए तो सरस नवसारी के नाम से पटेल को दे आना। और पानी ज्यादा हो जाए तो यूपी तरीवाली के नाम से पांडे के यहाँ दे आना। तेल ज्यादा हो जाए तो उसे भीगी शहनाई के नाम से श्रीवास्तव को शाम को दे आना। और सारे मसाले अगर कुछ ज्यादा ही पड़ जाए तो रंगीलो रजवाड़ो के नाम से अलावत के यहाँ दे आना। दिवाकर मुंह खोले सुन रहा था। बोला, अगर सब्जी जल जाए तो? नो टेंशन, सब्जी को कढ़ाई में इतनी जला कि वो डार्क ब्राउन हो जाए। खुरच कर निकाल और कुर्सन को ब्रेड स्लाइसेस के बीच रखकर डार्क फायरी डार्लिंग के नाम से माइकल के यहाँ दे आना शाम को। अबे ओ, सब बांट आऊंगा तो मैं खुद क्या खाऊंगा? अब दिवाकर का सवाल तो वाजिब था। अरे यार, सनवाल की टॉमी सब खा लेता है, काटने दौड़े तो मुझे बुला लेना, फिर हम लोग मस्त बियर मारकर नाका हिंडोला के नत्था होटल में जाकर मुर्ग मसाला खाएंगे तंदूरी के साथ शाम को। तो अब क्या करें, चलते हैं ना के वाया सनवाल। ये लघु कथा इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में निरंजन धुलेकर जी की लघु कथा डार्क फायरी डार्लिंग। आप जुड़े रहिए किस्सा कहानी के साथ।